तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमारे पास एक फ़ोन है, जैसा कि मैं आपके लिए लेकर के कंटेंट आ रहा हूँ। मेरे पास एक टेक्नो का फ़ोन है, टेक्नो का स्पार्क गो प्लस। इसको हम इसके FRP हटाने वाले हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मॉडल है, यहाँ पे मैं आपको करके सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखिए BB4K लिखा हुआ है, तो इसको स्पार्क गो प्लस के नाम से जानते हैं फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं। इसमें आपको ये दिखा देते हैं कि FRP लगी हुई कि नहीं लगी है। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो आपको जब भी कभी मिलेंगे तो आपको फटाक से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इसमें FRP लगी कि नहीं लगी। तो इसके FRP हम चुटकी में वन क्लिक में रिमूव करने वाले हैं। तो अगर आपको पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FRP हमारी यहाँ पे लगी हुई है। आपको जस्ट ए सेकेंड आपको भी दिखाई दे जाएगा। ये देखिए यहाँ पे FRP लगी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। इसको हम सिंगल क्लिक में इसके FRP लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, तो ऐसे ही वीडियो में हमारे बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं इसको UMT से करने वाला हूं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं इसको UMT से वन क्लिक में यहां पे करके दिखाने वाला हूं फ्रेंड्स आपको यहां पे। और UMT को हम लगा देते हैं और UMT का सेटअप हम खोलेंगे। और UMT का सेटअप के मैं आपको वन क्लिक में इसकी FRP रिमूव विथ लाइट प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अब हो जाएगा, UMT ओपन हो जाता है। तो UMT हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएगी। UMT को लगा देते हैं और UMT को लगाने के बाद UMT का सेटअप देखिए हमारा ये खुल चुका है फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं UMT का सेटअप हमारा ये खुल चुका है। अब UMT का सेटअप खुल चुका है तो हमें जाना है टूल एंड FRP पे। उसके बाद हमें जाना है अपना ब्रांड और मॉडल को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे अपना ब्रांड और सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्नो। टेक्नो के बाद अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्पार्क गो प्लस। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पार्क गो प्लस BB4K। अब उसके बाद सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको FRP रिसेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है। विदाउट कोई भी की आपको प्रेस नहीं करना है, आपको 30 सेकंड के अंदर फ़ोन को कनेक्ट डायरेक्टली कर देना है। और ये देख सकते हैं हमने कोई भी की प्रेस नहीं की है और हमारा ये फ़ोन डाटा केवल आप देख सकते हैं कि कनेक्ट हो चुका है। फ़ोन भी हमारा कनेक्ट हो चुका है और FRP रिसेट डन चुटकी में हो चुकी है। वन क्लिक में हमारी FRP रिमूव हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें। अब ये वही मॉडल है जैसा कि हम आपको सामने यहाँ पे दिखाया था। अब फ़ोन को चालू करके आपको दिखाएंगे कि ये हमारा वर्क हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो भी है आपके सामने एक जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको करके यहाँ पे लाइव भी दिखा रहे हैं। फ़ोन को हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इसमें हमारी जो देखिए FRP है ये सक्सेसफुली डन हो चुकी है। अब हम देखेंगे ये फ़ोन को ऑन करके, और शायद इसमें बैटरी का थोड़ा इशू है, बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो फिलहाल मैंने उस पर डाटा के वो मैं फिर से बैटरी लगा दे चार्ज पर लगा देता हूँ, क्योंकि इस पर चार्जिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चार्जिंग कम है। तो ये देखिए फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अब ये देखते हैं फ्रेंड्स कि काम हुआ कि नहीं हुआ, हमारा FRP रिमूव हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। हम इसको देखते हैं, ये फ़ोन थोड़ा सा ऑन हो जाएगा। ये वही फ़ोन है जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो फ्रेंड्स बस जस्ट सेकेंड आप बने रहे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ अब देखिए हमारा खुल चुका है, मैं यहाँ पे ही लाइव ये देखिए टेक्नो स्पार्क गो प्लस। अभी से हम देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। और मैं इसीलिए कोई भी वीडियो इसी कैमरे में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता चले कि लाइव काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे नॉट नो करने के बाद देखते हैं कि गूगल अकाउंट स्किप हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया है तो मेरे को तो श्योर है कि 100% हो चुका है। और यहाँ पे जस्ट सेकेंड हम वेट करेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए स्किप का बटन आ चुका है। अगर आपको दिखाना चाहूँ तो, अगर आपको दिखे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर में स्किप का बटन आ चुका है। तो हम इसे स्किप कर देते हैं और आपको फाइनली स्टेप करके दिखा देते हैं कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली तरीके से हमारा ये वर्क हो चुका है। अब इसको आपको होम स्क्रीन में डायरेक्टली और स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे होम स्क्रीन आ जाएगा और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और आप हमारे चैनल में प्लीज़ अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो ये फाइनली देख सकते हैं हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे होने के बाद जस्ट ए सेकेंड ये हमारा फ़ोन अभी कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये होम स्क्रीन पे आ जाएगा। ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेट FRP का एक मैसेज सामने आपके पास पड़ा ही हुआ है। UMT से हमने
मैंने वन क्लिक में यहाँ पे किया हुआ है, वही फ़ोन है और ये 100% जॉब डन हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको कुछ भी नहीं करना था, बस मॉडल सेलेक्ट करके आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।